लास्ट टाइम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड में आपका यहां पर चैप्टर सेकंड को कंटिन्यू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को। एसिड बेस एंड सॉल्ट में प्रीवियस क्लास में टॉपिक लिया था बेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, है ना, हमने एग्जांपल भी दिए थे उसके। नेक्स्ट उसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है यहां पर इंडिकेटर। आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक दिया है इंडिकेटर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक्सरसाइज आ सकती है आपके फाइनल एग्जाम में, ठीक है। इंडिकेटर्स, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। इंडिकेटर्स क्या है आपके, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड में या बेस में जाते ही साथ आपको ये बता सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है आपका एसिड है या बेस है। इसकी हेल्प से या तो ये अपना कलर चेंज करते हैं या ये अपनी क्या करते हैं, स्मेल को चेंज कर लेते हैं, जिससे कि आप किसी को इसको शो कर बता सकते हो कि ये जो हमारा सब्सटेंस है ये एसिडिक है नेचर का या ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। आए समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। तो नेचुरल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि आपको नेचर से प्लांट से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले इंडिकेटर आपके नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं किसी भी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस को फाइंड करने में, ठीक है। तो यहां पर हमने एग्जांपल लिया है लिटमस और टर्मरिक का। तो जब आप लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में लाओगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि अगर लिटमस पेपर का जो ऐसे कलर रेड हो रहा है तो सब्सटेंस क्या होगा हमारा, एसिडिक नेचर का होगा। और यदि लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो रहा है तो आप बता सकते हो कि जो भी हमारा सब्सटेंस है वो कैसा है, आपका बेसिक नेचर का है। फिर यहाँ पर टर्मरिक का एग्जांपल लिया है, टर्मरिक को जब एसिड के कांटेक्ट में लेके आओगे तो कलर येलो हो जाएगा, और जब आप उसको बेसिस के कांटेक्ट में लेकर आओगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आप नॉर्मल डेली लाइफ में हल्दी का कलर जो है आप बता सकते हो कि नॉर्मली येलो भी रहता है, उसका कभी कभी कलर रेड भी हो जाता है ना। तो ये किसके कारण होता है, किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक नेचर की वजह से इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर आपका सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर आपके केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपकी लैबोरेटरीज में यूज होते हैं, ठीक है, जहां पर बहुत से ज्यादा केमिकल्स का क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है मिथाइलिन ऑरेंज का। मिथाइलिन ऑरेंज आपका एक केमिकल सब्सटेंस है, अगर आप इसको एसिड के कॉन्टेक्ट में लेके आओगे तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है, लेकिन जब आप मिथाइलिन ऑरेंज को बेसिस के कॉन्टेक्ट में लेके आते हो तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। फिर आप यदि मिथाइलिन ऑरेंज को एसिड के कॉन्टेक्ट, सॉरी ये क्या था आपका मिथाइलिन ऑरेंज का एग्जांपल था कि जब आप उसको एसिडिक कांटेक्ट में लेके आते हैं तो कलर रेड होता है, और जब आप उसको बेसिस के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, आपका येलो हो जाता है। फिर थर्ड और लास्ट आपका टाइप है यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जहां पर केमिकली ऑयल्स का यूज होता है, और वहां पर क्या होता है, जब आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसी भी एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाते हो तो इसका कलर चेंज नहीं होता, इसका क्या चेंज हो जाता है, आपका स्मेल इसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें आपको लेते हैं वनीला, वनीला का हमने एग्जाम्पल लिया, तो वनीला क्या है आपका एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी एसिड और बेस को क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। अगर आप वनीला को एसिड के कॉन्टेक्ट में लेके आओगे तो वनीला की जो स्मेल है कैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, और जब आप बेसिस के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो वनीला की स्मेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या उसकी बहुत स्मेल क्या हो जाएगी, कम आने लगेगी। या क्लो ऑयल का, लौंग का जो आपका तेल होता है उसको अगर आप बेसिस एसिड के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, स्मेल कम, और बेसिस के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो स्मेल ज्यादा हो जाएगी। तो ये थे आपके इंडिकेटर्स एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे मेटल किस टाइप से एसिड एंड बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, जरा आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसके नोट्स बना के कंप्लीट करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्लास 10।